डायनेमिक शेप्स शुरू करनी है जो हमने। डायनेमिक शेप्स कौन सी होती हैं? ये मैंने कुछ पिक्चर्स ओपन की हैं, मैं शो कर देता हूँ। ये ग्लास की जो कर्व्स होती हैं हमारी, फ्लावर पॉट्स हो गए, वाज हो गए, उनमें जो कर्व्स होती हैं ये डायनेमिक शेप्स होती हैं। अब ये डायनेमिक शेप्स हम किस तरह बनाएंगे, जो हमने पहले चीज़ें कवर की हैं जिसमें हमने ज्योमेट्री देखी थी। फर्स्ट जो है हमारे पास स्टैंडर्ड ज्योमेट्री थी, एक्सटेंडेड ज्योमेट्री थी। इसमें तो अगर हम ये शेप्स बनाते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। अब इसका मेथड क्या है, इसमें फर्स्ट हम क्या करते हैं, टॉप व्यू पे आ जाते हैं। पहले तो मैं पिक्चर सेव कर लेता हूँ, ये एक गिलास की पिक्चर है, इसको सेव कर लेता हूँ। पिक्चर सेव होगी, टॉप व्यू पे आके एक प्लेन बनाना है जिसमें हम गिलास की पिक्चर प्लेस करके फिर उसके बाद हम मॉडल करेंगे। इस पे पिक्चर किस तरह लगेगी, पहले तो आप वीरे कर लेंगे, हमने वर्किंग जो करनी है वीरे पे करनी है। वीरे इंस्टॉल कर लें, उसके आपको डिफरेंट मेथड मिल जाएंगे इंस्टॉलेशन के। अब एक दफ़ा इंस्टॉल हो गया वीरे रेंडर इंजन, उसके बाद असाइन किस तरह करना है, उसे रेंडरिंग पे आके रेंडर सेटअप पे आके, मेरे पास पहले से ही है वो होगा सेट, आपके पास ये नहीं आ रहा होगा, आपने इधर आना है असाइन रेंडर पे आके, प्रोडक्शन पे आके वीरे एडवांस करना है। अभी सिलेक्टेड है मेरा वीरे एडवांस, इसलिए शो नहीं कर रहा है। वीरे एडवांस जैसे ही होगा यहाँ पे हमारे पास वीरे की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। अभी हमने रेंडर सेटअप नहीं करना, हमने खाली मटेरियल अप्लाई करना है। एम प्रेस करेंगे, ये मटेरियल स्लॉट आ गया। अब यह स्टैंडर्ड शो कर रहा है जो बाई डिफॉल्ट मैक्स का होता है, इसको हमने स्टैंडर्ड पे आके क्लिक करना है। ये मटेरियल आ गया, यहाँ पे वीरे का ऑप्शन होगा, वीरे के ऑप्शंस को ओपन करके वीरे एमटीएल करना है, वीरे मटेरियल। वीरे मटेरियल जैसे करेंगे यहाँ पे हमारी जो सेटिंग्स है वो चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर डिफ्यूज़ पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कलर आ रहा है, कलर वराइटीज़ आ रही है, हम कोई भी यहाँ से कलर डिफाइन कर सकते हैं। इसको ओके किया, इसको साइन करता हूँ, ये कलर आ गया। लेकिन हमने पिक्चर है इस पे इंपोर्ट करनी है, इस पे टेक्सचर करनी है, वो किस तरह होगी, इसके सामने एक छोटा सा बॉक्स होता है पेंट के सामने, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये सब ऑप्शंस खोलेगा। इसमें बिट मैप का ऑप्शन होगा बिल्कुल टॉप पे, बिट मैप पे आके अब यहाँ से हम पिक्चर जहाँ पे सेव की जिस फोल्डर में, वहाँ से मैं पिक कर लूँगा। ये पिक्चर आ गई हमारी, ओपन कर लेते हैं इसे, असाइन करें फिर से, और शो शेडेड मटेरियल करना है इन व्यू पॉट, ये फिर शो करेगा हमें। ठीक है, पिक्चर ओपन होगी, इसको ओके करें। मॉडिफाई में आके हम अपने प्लेन से इसकी शेप वगैरह सेट कर सकते हैं। अब ये शेप ओके लग रही है, टॉप व्यू पे आ गए। हाँ जी, अब स्टार्ट किस तरह करना है, हम जो भी डायनेमिक शेप्स होती हैं जितनी भी होती हैं वो हमारी लाइन से बनती हैं, 2D से हम बनाएंगे, लाइन से बनाएंगे। और इसमें एक और है हमारे पास मॉडिफायर्स हम यूज़ करेंगे। अब इसको हमने हाफ सेक्शन बनाना है, फुल गिलास को ट्रेस नहीं करना है, हमने हाफ गिलास को ट्रेस करना है, इसकी खाली आउटलाइन। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, क्लिक किया सिंगल क्लिक, अगर माउस को प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास कर्व दे देगा, कर्व आ गया, सेकंड कर्व। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू कर रही है, इसलिए मैं बैक स्पेस करूँगा ताकि मैं फिर से दूसरे पॉइंट पे आ सकूँ। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ से हमारा कर्व इजली अचीव हो रहा है। अगेन वो इशू आ रहा है हमारे पास कि हमारे पास कर्व आ रहा है। अगर इस तरह आपके पास आते तो आप क्या करेंगे, स्मॉल पॉइंट्स पे आप प्लेसमेंट करेंगे ताकि हमारी जो कर्व है स्मूथ हो। सेकेंड पॉइंट, हमारा थर्ड पॉइंट आ गया, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ये कर्व आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लगा देते हैं, हाफ गिलास के हाफ में लगा देंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब हम इसको साइड में मूव कर लेते हैं,
ये क्या हुआ, हमारे ग्लास का सेक्शन बन गया। अब इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, इसको हम किस तरह ट्विक करेंगे, इसको सेट करेंगे। मॉडिफाई में आते हैं, यहाँ पे इसके वर्टिसेस ले लेते हैं। अब वर्टिसेस लेके यहाँ पे जहाँ भी कोई इशू होगा हम इसके पॉइंट्स दे देंगे। यहाँ से लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन आ रहे होते हैं, बिजियर कॉर्नर, बिजियर कॉर्नर एंड स्मूथ। स्मूथ क्या करते हैं, हमारी शेप को स्मूथ कर देगा, हैंडल ख़त्म कर देगा। हैंडल ख़त्म हो गया, हम इसको थोड़ा सा मैनुअली इस तरह एडजस्ट करेंगे, इसको भी हम स्मूथ करके देखते हैं। ये स्मूथ हो गया। इसके बाद हमारा टॉप पॉइंट था ग्लास का, इस पॉइंट की हमें ज़रूरत नहीं, हम डिलीट कर देते हैं इसे। ये आ गया और ये पॉइंट हमारे पास। इसको हम क्या करेंगे, बिजियर कॉर्नर करेंगे ताकि दोनों साइड्स के हैंडल हम अलग से ट्विक कर सकें। इसमें सेटिंग्स में इसको स्मूथ कर देते हैं, बिजियर करें, बिजियर करके देखें, इशू आ रहा तो सेट हो जाएगा वो। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ये जो पॉइंट था इसको हमने इधर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्मूथ नहीं है, और दूसरा हम आगे और भी गिलास बनाते हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब ये हमारे पास लाइन से हाफ सेक्शन बन गया है। अब इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मॉडिफायर होता है। अब यहाँ पे इसमें हम काफ़ी सारे मॉडिफायर यूज़ करेंगे। अगर किसी का मॉडिफायर का लेक्चर रहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे मॉडिफायर्स के आपको सारा कुछ हो जाएगा, मॉडिफायर्स में क्या क्या करते हैं, किस तरह करते हैं। मॉडिफायर लिस्ट में आया मैं, यहाँ से हम लेथ की कमांड होगी, लेथ मॉडिफायर अप्लाई करेंगे। ये क्या करेगा, इसको 3D में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ये कुछ और ही बन गया। अब इसकी शेप सेट करने के लिए लेथ के इधर प्लस का साइन होता है, प्लस का साइन आपने ओपन करना है, एक्सिस को सेलेक्ट करना है। ये चीज़ याद रखनी है, अक्सर लोग ना प्लस के साइन पे ऐसे क्लिक करते हैं तो वो उस पूरी शेप को इस तरह डिस्टर्ब कर देता है। प्लस साइन पे आगे एक्सिस को सेलेक्ट करना है, अगर एक्सिस सेलेक्ट नहीं होगा तो पूरा आपका ऑब्जेक्ट साइड पे मूव हो जाएगा। एक्सिस को सेलेक्ट करके या तो इस साइड पे करें, इस साइड पे करेंगे तो हमारी शेप बन रही है, पर्सपेक्टिव में आए। अब ये बीच में इसके हॉल हो जाता है, हमने देखना है कम से कम मिनिमम हो ताकि इफेक्ट ना करे। यहाँ पे ख़राब हो रही शेप, तो इस पॉइंट पे हम इसको देंगे। फ्रंट व्यू पे आते हैं, टॉप व्यू पे। अब इसकी सेगमेंट्स बढ़ाने, जितना ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी ग्लास की साइड्स होंगी, उतना ज़्यादा स्मूथ होगा पर्सपेक्टिव। इसके बाद हमारे ग्लास में थिकनेस नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन में बना हुआ है। इसके अगर थिकनेस देनी है, थिकनेस के लिए हमारे पास मॉडिफायर होता है शेल। शेल आ गया, ठीक है। इसके अभी हम किसी भी पॉइंट पे इसको सेट कर सकते हैं। इसकी 2D मैं लाइन पे आता हूँ, मुझे ये एरिया बहुत ज़्यादा लग रहा है इसका डिस्टेंस, तो मैं क्या करूँगा, लाइन पे आके इसमें आके इसके दोनों पॉइंट्स को आगे की तरफ मूव कर दूंगा। आगे की तरफ मूव करने से क्या होगा, वो इसके पॉइंट्स को कम कर देगा। सेम मुझे नीचे भी ये लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत होना चाहिए पास, इसको और पास कर देते हैं। वापस आते हैं, ये हमारी क्या हुआ है, हमारा कर्व थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए उस वजह से ठीक है। अब इस पे शैल आ गया। अब उसके बाद इस पे हमने लगाना है टर्बो स्मूथ। टर्बो स्मूथ क्या करेगा, हमारे शेप को और ज़्यादा स्मूथ कर देगा। इसने क्या किया, हमारे ग्लास को स्मूथ कर दिया। यहाँ पे हमारे पास जो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है शेप, ये क्यों हो रही है, हमारी 2D की वजह से। हमारे 2D में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी, उस वजह से हो रही है, वो चीज़ हम कवर करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास गिलास में जो है पिक्चर में अगर देखें तो यहाँ पे हल्के से इसकी राउंडनेस होती है, गुलाई होती है। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल फ्लैट हो गया, स्मूथ हो गया। टर्बो स्मूथ को यहीं पे ऑफ करेंगे, हम शेल पे आते हैं वापस, इसके ऊपर एक और मॉडिफायर लगाएंगे, एडिट पॉली। एडिट पॉली लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक पॉइंट सेलेक्ट करें, इसको रिंग कनेक्ट करना है, सिंगल कनेक्शन करके मैं इसको टॉप पे लेके आ रहा हूँ ताकि हम इसमें से शिफ्ट से लूप बनेगा, लूप बन गया, इसको एक्सट्रूड कर सकें ताकि इसको लोकल नॉर्मल करना है।
ये वैल्यूज आ गई आपकी, थोड़ा सा बाहर करना है हमने, टिप निकालनी है बाहर। अब अगर हम टर्बो स्मूथ को ऑन करते हैं तो हमारे पास ये एजेस जो था हमारा स्मूथ होकर कर्व बन गया। ठीक है जी, एक हमारा ये बन गया। हम एक और किसी और चीज़ पे ट्राई करते हैं अभी, इस पे तो मिस्टेक्स थी हमारे पास, तो हम फिर से एक और बनाते हैं प्लेन। अब इसमें आपको बहुत सारे मिस्टेक्स होगी, फर्स्ट टाइम पे आप कभी भी ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते हैं, बार बार आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस चाहिए होगी। मटेरियल पे आता हूँ, नेक्स्ट दूसरे मटेरियल स्लॉट पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड पे क्लिक किया, वीरे मटेरियल, यहाँ से मैं ये एक पॉट है, इसको मैं करता हूँ सेव कर लेते हैं पिक्चर्स, इसको हम बनाते हैं। मैक्स पे आए, इस पे विंड बॉक्स पे डिफ्यूज, डिफ्यूज पे आ गए पिक्चर सेलेक्ट की। अब इसको असाइन शो इन शेडेड व्यू पॉट, ठीक है जी, ये हो गया। टॉप व्यू पे रहे, टॉप व्यू पे आते हैं, लाइन से हम इसको बनाते हैं। लाइन ले ली, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ड्रैग करना है माउस को तो यहाँ पे कर्व आ जाएगा। ये सेम जैसे हम फोटोशॉप पे ट्रेसिंग करते हैं उसी तरह का, इसमें बस हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं सेटिंग करने के। इसको ये पॉइंट आ गया, इसके बाद ये हमारे पास लास्ट पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे मिड पे। लेफ्ट क्लिक करके अब इसको साइड पे लेके आए, ये हमारे पास पॉट आ गया। अब इसमें जो थोड़ी बहुत वेरिएशन करनी है, सेटिंग करनी है, वो हम यहीं से कर लेते हैं। जो हमारे पास कर्व में थोड़ा बहुत इशू लग रहे हैं उसको सेट कर लेते हैं। ये हो गया, उसके बाद इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ इसको हमने करना है कॉर्नर, कॉर्नर हुआ ये भी, और इसको भी कॉर्नर कर दें। दोनों को कॉर्नर करेंगे तो स्ट्रेट हो जाएंगे। स्नैप ऑन करके इस पॉइंट पे स्नैप करना है। अब ये बन गया, अब इस पर लेथ मॉडिफायर लगाना है। लेथ मॉडिफायर एक्सिस पे, लेथ पे आगे एक्सिस पे सेलेक्ट करके इसको हम मूव करते हैं एक्सिस को। अब इसकी लाइन जो है ना, स्टेप्स ज़्यादा किए हुए थे हमने, इसके स्टेप्स कम कर देते हैं। वापस लेथ पे आते हैं तो ये स्टेप्स इसके कम हो गए, तो ये सेट हो गया इस तरह। इसके बाद इसमें हमने थिकनेस देनी है, थिकनेस के लिए क्या करते हैं, शेल मॉडिफायर, शेल मॉडिफायर आ गया। इसके बाद इसको एडिट पॉली मॉडिफायर लगाना है, एडिट पॉली मॉडिफायर, शिफ्ट से लूप बन गया हमारा यहाँ से कनेक्ट। इसकी सेटिंग्स जो है ना, इसको ट्वीक यहीं से करना, नहीं तो अगर हम ओके करके किस्मों से करेंगे तो इसकी शेप को डिस्टर्ब कर देगा। पॉलीगॉन्स पे आके पॉलीगॉन लिया, एक शिफ्ट प्रेस करके लूप बनाएंगे, इसको एक्सट्रूड करेंगे। ये हो गया सेट, ओके। अब इसमें हमने लास्ट काम क्या करना था, टर्बो स्मूथ मॉडिफायर लगाना था। आते हैं, ये हमारे पास टर्बो स्मूथ बन गया, ठीक है। हमारे पास ग्लास बन गया, हमारे पास डायनेमिक शेप्स में पॉट बन गया। अब ये ज़रूरी नहीं है आप पिक्चर से करें, सिंपल लाइन से भी हम कुछ भी सेक्शन ड्रॉ करके उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे भी एक ग्लास बना के दिखा दूँ आपको, एक और अभी विदाउट पिक्चर बना रहा हूँ मैं, खाली इसको सेक्शन बना रहा हूँ ताकि उसको हम 3D में कन्वर्ट करें। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस है तो आप इस पर कर सकते हैं। लेथ किया, एक्सिस पे आके इसको मूव करता हूँ। ये हो गया सेटअप। यहाँ पे गिलास की जो हमारे पास प्रोपोर्शन है वो मिस्टेक हो रही है काफ़ी सारी, इसको किसी भी पॉइंट पे हम सेट कर देते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ऐड करना है, एक पॉइंट कम लग रहा है मुझे, यहाँ पे एक पॉइंट होना चाहिए था ताकि हम कर्व को थोड़ा सा ना पास कर सकते हैं। इसके क्या करेंगे, राइट क्लिक करके रिफाइन का ऑप्शन होता है, रिफाइन पे सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं हमारे पास एक और पॉइंट ऐड आ गया। इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करें, आगे कर देता हूँ इसको। अब अगर लेथ पे आते हैं तो हमारे पास ये चेंजेस आ गए। अभी भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इन सब में, तो इन सारों को सेलेक्ट, दोनों को सेलेक्ट करके
इधर पास कर देता हूँ मैं इसके, लेथ पे आते हैं, ये देखें हमारे पास ये सेट हो गया। अब उसके बाद एक और ये है कि हमारे पास ये थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, इसको सेट करते हैं। इसकी हाइट थोड़ी सी मुझे बहुत कम लग रही थी, लास्ट में आ गया। कोई इशू नहीं है चीज़ों में, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन करें, दूसरे लोगों का काम देखें, देखें कि कैसे कर रहे हैं लोग काम में, कितने डिटेल में कर रहे हैं मॉडल, चीज़ों को ऑब्जर्व करें, उनकी एक एक चीज़ की डिटेल करें। ये नहीं है कि आपने सिंपल सी आउटलाइन बना ली तो आपका शेप बन गई। जितना भी ज़्यादा आपकी डिटेल्स होगी 3D में, उतना आपका बेहतर होगा, रेंडरिंग भी आपकी उतनी बेहतर होगी। हर चीज़ डिपेंड करती है आपकी 3D वर्क में, आपकी एक एक चीज़ डिपेंड करती है। मॉडलिंग होगी, मटेरियल हो गया, लाइटिंग होगी, रेंडर सेटिंग्स होगी, ये चार मेन चीज़ें हैं जिनको आपको फोकस करना है। और हर एक चीज़ में डिटेल्स करनी है। ये नहीं है कि आपने जान नहीं छुड़ानी, जाके आप देखें, काम देखें लोगों को, इंटरनेशनल लेवल पे काम देखें और अपने लेवल पे काम देखें, क्या कर रहे हैं, बातें ना करें, काम करें। बातें तो हर कोई कर रहा है, कुछ आप काम करके दिखाएं तो बात है। ठीक है जी, ये बन गया हमारा डायनेमिक शेप्स। इसके अलावा मैं और पिक्चर दिखा देता हूँ, ये डिफरेंट शेप्स हैं, ये सारी शेप्स हमारी अचीव हो सकती हैं। सब कुछ कैसे होगा, हमारे लेथ की कमांड से होता है, जो लेथ मॉडिफायर है और शेप से होता है। ठीक है, इस पर टेक्सचरिंग, इसके मटेरियल किस तरह होते हैं, मटेरियल्स पे अभी हम आए नहीं हैं, अभी खाली मॉडलिंग पे हम कर रहे हैं वर्किंग। मॉडलिंग पे जितना भी आप टाइम दें उतना कम है, आपको एक एक चीज़ पर डिटेल्स करनी पड़ती है। आप ये करने बैठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसमें मिस्टेक्स होंगी, बार 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 प्रैक्टिस करें इस चीज़ को, डिफरेंट पिक्चर्स निकालें। इसके अलावा और डायनेमिक शेप देखें, ग्लास और वास के अलावा और भी बहुत चीज़ें डायनेमिक, वो करके दिखाएं। ठीक है जी, ओके।